है ना, यदि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। जी हाँ, लेकिन आज के जमाने में ये 50% सच है, बाकी 50% में आपको चाहिए सब्र और बहुत कड़ी मेहनत, वो भी स्मार्ट तरीके से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आज हम चर्चा करने वाले हैं दो ऐसे ही मूवी के बारे में जो कि आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप से क्यों ना हो। दोस्तों चलिए तो पहली मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। उसका नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन। 1994 में ये मूवी रिलीज हुई थी और ये अभी भी टॉप पर चल रही है, आईएमडीबी रेटिंग पे बहुत टॉप पर चल रही है दोस्तों मूवी। दोस्तों आप अपने आगे की कितने साल की प्लानिंग कर सकते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल। हम कई बार 5 साल की प्लानिंग करते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब को लेकर हो, चाहे फैमिली को लेकर हो, लेकिन उसमें भी हम उलझ के रह जाते हैं, छोटी छोटी परेशानियों से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और साथ ही साथ अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। दोस्तों ये मूवी जो है, एक शशांक नाम के जेल में एक रेड नाम का कैदी रहता है, रेड नाम का, जो कि 20 साल से कंटिन्यू रहता है, और उसके बाद एंड्रयू नाम का एक कैदी और आता है। उन दोनों की कहानी है, दोस्त हैं, वहां पर जाके दोस्त बन जाते हैं, और जैसे ही एंड्रयू आता है तो रेड का सोचने का नजरिया बदल जाता है। ये बहुत ही ज्यादा संघर्ष वाली कहानी है, आप बिल्कुल इसको सोच नहीं पाएंगे। जितना हम छोटी छोटी बातों से परेशान होते हैं ना, टेंशन लेते हैं, आप उसकी प्लानिंग को देखिएगा। और आगे मैं इसकी पूरी स्टोरी तो आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि इसमें एक बहुत सस्पेंस भी जो आप सोच नहीं सकते। बहुत ही अच्छी मूवी है, इसमें पूरा तरीका दिया गया है कि आप के साथ जितनी भी परेशानी है सबसे आप निकल सकते हैं, बस आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली मूवी हो गई आपकी द शशांक रिडेम्पशन, जरूर देखिएगा इस मूवी को। अब बात कर लेते हैं दूसरी मूवी के बारे में, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, इसका नाम है फॉरेस्ट गंप। जी हाँ, ये एक फॉरेस्ट गंप नाम के एक बच्चे की कहानी है जो कि बाद में बड़ा हो जाता है, लेकिन बचपन में उसके पांव जो रहते हैं वह चल नहीं पाता है तरीके से। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में जब स्कूल में एडमिशन लेने जाता है तो कई स्कूलों में मना कर देते हैं कि आप इसको अलग स्कूल में भेजिए, इनके अलग स्कूल होते हैं। उसका दिमाग थोड़ा कमजोर रहता है बचपन से, ठीक है, लेकिन उसकी माँ बोलती है, बेटा कभी भी अपने आप को किसी से कमजोर मत समझना, यदि भगवान को सबको एक जैसा बनाना होता तो वो आपको ऐसे पाँव ना देता और आप अभी दौड़ सकते। धीरे धीरे वो मंदबुद्धि बालक कैसे एकदम से अपने आप को ढालता है, इस बच्चे की कहानी आप यदि देख लेंगे ना, मैं ये लिख के देता हूं, आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे। आपको बता दूं, वो बच्चा जो बचपन में चल नहीं पाता था, बड़े होते होते बहुत तेज दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते उसका जो है, एक कॉलेज में एक फुटबॉल का मैच चल रहा होता है, वहां पर जाता है दौड़ते हुए, उसको उसकी दौड़ देख के उसको फुटबॉल मैच में रख लेते हैं। धीरे धीरे और भी कई चीजें होती हैं, वह आर्मी में चला जाता है, आर्मी में उसका एक दोस्त बन जाता है। अब मैं कहानी आपको पूरी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन ये मूवी आपको कभी डीमोटिवेट होने नहीं देगी। यदि आपने ये मूवी देखी तो आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होगे। ये फॉरेस्ट गम की जो कहानी है ना, आपके दिमाग पर बहुत अच्छा छाप छोड़ के जाएगी। मैं लिख के देता हूँ, ये दोनों मूवी आप यदि देखते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपको सीखने मिलेगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। तो आप जरूर देखिएगा, दोनों मूवी हिंदी में अवेलेबल है। ठीक है, आप यदि नेट पर सर्च करेंगे नॉर्मल आपको कहीं भी मिल जाएगी, यूट्यूब पर तो शायद नहीं है, लेकिन आप नॉर्मल क्रोम पे या किसी भी अपने ब्राउजर पर सर्च करेंगे आपको दोनों मूवी हिंदी में आसानी से मिल जाएगी। तो जरूर देखिएगा, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि मूवी कैसी लगी, और जब आपको मूवी अच्छी लगेगी तो ये लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं मिलता हूं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।